अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे काबुली पुलाव की मकबूलियत के बारे में। आपको पता है काबुली पुलाव कितना मशहूर हो रहा है, हर किसी के दिल पे छा रहा है। तेरे बिन से भी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है और हर कोई इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहा है। और आम आवाम एक्ट्रेस भी तारीफ़ करे बगैर नहीं रह सके इस ड्रामे की। और नातिया जमील ने बड़े अच्छे अल्फाज में इस ड्रामे की तारीफ़ की है। उसके अलावा नादिया खान बहुत बड़ी फ़ैन है इस ड्रामे की, जो कि बहुत रियल क्रिटिक्स हैं। वो बहुत गलतियां निकालती हैं ड्रामे में से, सही गलतियां निकालती हैं और उन्हें भी ये ड्रामा बहुत पसंद आया है। और इसके अलावा हमारे प्यारे एक्टर जो कि खुद बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, इमरान अशरफ, उन्होंने भी बहुत सराहा है कि एहतशाम जो पहले डायरेक्टर थे और उनकी एक्टिंग स्किल्स इतनी ज़बरदस्त है। सबीना बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं माशाल्लाह से, ये भी सुपरस्टार बन गई हैं इस ड्रामे से। और भी ज़्यादा इनकी एक्टिंग स्किल बाहर आ रही है। और हमारी जो सुपरस्टार माहिरा खान हैं, उन्होंने भी इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि एहतशाम की जो है उनकी एक्टिंग जो है ना बहुत ज़बरदस्त है इस ड्रामे में। और आपको ये ड्रामा कैसा लगता है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अर्से बाद मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ, मैंने तेरे बिन भी नहीं देखा था और ये ड्रामा मैं देख रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और क्यों ना देखें, पाकिस्तान में अच्छे ड्रामे बहुत कम बनते हैं। और ये ड्रामा तो क्या दूसरे मुल्कों में दिखाया जा रहा है कि इससे एक्टिंग सीखें, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग है। तो हम क्यों ना देखें अपने इतने अच्छे काम को, जो दूसरे मुल्क वाले भी इतना सराह रहे हैं। और बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो मुझे बड़ी पसंद है ये ड्रामा। आपको कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तेरे बिन या काबुली पुलाव। वैसे तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन वो मकबूल काफ़ी हुआ है, इसलिए पूछ रही हूँ कि आप किस टाइप के हैं, तेरे बिन टाइप के या काबुली पुलाव टाइप के।